वी आर गोइंग टू मेड ए व्लॉग ऑन मेडिकल कॉलेज बस्ती। तो अभी भी हम 8 से 10 तक अपनी क्लासेस में थे, सो लेक्चर्स खत्म करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? वी आर गोइंग टू क्लिनिकल पोस्टिंग्स द सेक। तो जो भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते, मैं बताता हूँ कि वी आर जस्ट इन द वे और अभी जस्ट हम ग्रेट क्रॉस करेंगे। इट्स डन, दैट्स वेयर इज रिटन, बाय बाय। हेलो, माय नेम इज दिव्या एंड टुडे विद मी इट्स आदाब एंड आयुष एंड वी आर इन द ओपिक हॉस्पिटल कैली एसोसिएटेड विद मेडिकल कॉलेज बस्ती एंड वी आर गोइंग टू मेक अ व्लॉग एंड लेट्स सी लेट आस्क माय फ्रेंड्स दैट व्हाट आर वी गोना डू टुडे। बेसिकली MBBS में 19 सब्जेक्ट होते हैं, सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो आयुष बताएंगे कि हर डिपार्टमेंट में जाके हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, पोस्टिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेरी पोस्टिंग सर्जरी डिपार्टमेंट लगी है, जहाँ पे हम लोग को हर्निया, जॉन्डिस और अल्सर के बारे में अभी बताया गया है, और वहाँ पे हम लोग पेशेंट को भी देखते हैं किस टाइप की हर्निया है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और अल्सर भी क्रिटिकल जो केसेस हैं उसके दिखाए गए हैं। तो मेजर सर्जरी हमारा जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उसके पहले एक छोटा सा आइडिया दिया जा रहा है कि क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आके। इट्स ड्यूटी टाइम, लेट्स गो टू आवर पोस्टिंग्स। वी आर गोइंग टू द ऑप्था डिपार्टमेंट। ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है उसी को लेकर के इनको थोड़ी बहुत जो इंस्ट्रूमेंट बताया जा रहा है अभी क्लिनिकल पोस्टिंग में। ये क्या है? सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप। इसमें क्या करते हैं, सुपीरियर रेक्टस को इसे पकड़ते हैं किसमें, SICS का ऑपरेशन अगर करना हो, कर रहे हो या फिर फेको का ऑपरेशन अगर कर रहे हैं यहाँ बोटी में, तो इसे सुपीरियर रेक्टस क्या करेंगे, इधर से जाएंगे ऐसे, जब पेशेंट लेटा रहेगा इधर से जाके, लेट तो ऊपर ही रहेगी, स्पेकुलम लगा के पूरी आँख खोल लेंगे, अंदर से ले जा करके सुपीरियर रेक्टस यहाँ तो उसको पकड़ेंगे। हेलो, वी आर बैच ई स्टूडेंट्स। हम लोगों का ERT डिपार्टमेंट में क्लिनिकल पोस्टिंग चल रहा है अभी, एंड इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं ना, लाइक कॉन्टीन्यूस 3 घंटे हम खड़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं, देखते रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लिनिकल केसेस, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आता है बहुत, एंड टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमें, और ENT देखा जाए तो लाइक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। कल हमारा WLT और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बोल रही हूँ। डेली क्लास आना पड़ता है यार, लेकिन ENT वाले सर बहुत ज़्यादा अच्छे, तो उनकी वजह से क्लास आ जाती हूँ मैं। राजेश पांडे सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ENT की क्लास में। दो लाइन बोलता हूँ, डॉक्टर बनना सरल नहीं है, बहुत बड़ी फनकारी है। इधर आप देखिए, यहाँ पर हम अपने सैनिटाइजर बॉटल में यहाँ से ऐसे भर के लेके जाते हैं, बहुत देर जा रहा है। तो ये फ़ायदा है मेडिकल स्टूडेंट होने का। थैंक यू। मेरे एक बैचमेट को प्रॉब्लम थी, उसके थाई में एक छोटा अल्सर हो गया, अल्सर डेवलप हो गया था, और एक दूसरे बैचमेट को हमारे लिवर में प्रॉब्लम है, उनका SGOT और SGPT और अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है। हाँ, उसको हम दिखाने आए हैं, और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और सबकी सपोर्टिंग टीम है, हमारे सीनियर बॉस लोग का भी है। नाउ क्लिनिकल पोस्टिंग इज़ ओवर। आज हमें सर्जरी डिपार्टमेंट में 2 केसेस मिले थे। पहला था एक इंग्वाइनल हर्निया का, जो कि इनडायरेक्ट रिड्यूसेबल इंग्वाइनल हर्निया था, तो उसमें जो क्लिनिकल एग्जामिनेशंस वगैरह हमने देखा था। और दूसरा पेशेंट हमें मिला था गैंग्लियोनिक सिस्ट का, जिसको कि मैम ने जस्ट 5 मिनट का प्रोसीजर लगा, उन्होंने उस सिरिंज से जो वहाँ पे सारा एक्यूमुलेटेड फ्लूड को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया,
और उसके बाद फिर प्रेशर बैंडेज के साथ पेशेंट को घर भेज दिया. सो दिस वॉज माई डे टू डे. लेट्स आस्क सदाब, हाउ वॉज हिज डे इन गायनी डिपार्टमेंट. I have a patient of 30 years old female patient having a complaint of infertility since 5 years. She is unable to develop primary follicles. चलते हैं बस के अंदर और सुनते हैं वो चांदनी जब तक रात. आइए आप बस्ती में हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज 5 किलोमीटर दूर पड़ता है. तो अभी हम लोग फ़िलहाल कुछ खा पी रहे थे रास्ते में. वो फल की दुकान है. भैया थोड़ा शर्मा रहे थे यार, इसलिए वो अपना व्लॉगिंग नहीं करने दिए हम लोगों को. कोई बात नहीं, हम लोगों ने फिर भी कर लिया. हाँ, ये हमारे बैचमेट्स हैं. हाउ टू सर्वाइव इन अ कॉलेज, स्पेसिफिकली इन द मेडिकल कॉलेज जहाँ पे मेस बहुत ही कमाल के होते हैं. तो अगर आपको मेस के खाने के अलावा कुछ अनहेल्दी चीज़ें खाने का मन करे तो आप बनाना वगैरह ले सकते हो. यू नो दिस आर नॉट गुड फॉर हेल्थ बट यू कैन सर्वाइव एट यू. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शादाब, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन मेडिकल कॉलेज बस्ती. अभी हम लोग कॉलेज के मेन गेट पे हैं. सो लेट्स गेट इनसाइड द कैंपस.
सो दिस इज़ द इवनिंग एंड वी आर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द कैंपस. तो देखते हैं कि हम किस जगह पे बैठे हुए हैं. एक्चुअली पहले पता करते हैं. ये सारे मेडिकल कॉलेज में एक इंटरेस्टिंग जगह होती है PMC. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता है, उधर ये बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता है. ये आके एक जगह मिलता है, उसी को PMC बोलते हैं. सही समय आने पे यहाँ पे काफ़ी हलचल दिखती है, पर इस टाइम पे यू नो सब अपने अपने क्लासेस करके थके हुए अपने हॉस्टल्स में हैं. पर जब खाना खाने आएंगे सब और यू नो इवन आफ्टर डिनर काफ़ी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं यहाँ. हमारे पास में दो गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक तो जूनियर गर्ल्स हॉस्टल है और दूसरा सीनियर गर्ल्स हॉस्टल है. तो वो जो आप देख रहे हैं वो सीनियर गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पे ये जूनियर गर्ल्स हॉस्टल है और इसके जस्ट बगल में ये इंटर्न हॉस्टल दिख रहा है आपको. सो अब हम विजिट करने जा रहे हैं सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट दिख रहा है, तो इनसे पूछते हैं. चलिए आइए मिलते हैं इनसे. हेलो. हेलो एवरीवन. तो आप अभी कहाँ से आ रही है? मैं लाइब्रेरी गई थी. आपके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है, मतलब कैसे रहते हैं सब लोग, क्या आपको बताएंगी? एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. हाँ थोड़ी चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं एंड पर यहाँ पे पढ़ाई मस्ती बहुत अच्छे से हम इंजॉय करते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं. लाइक अभी सब स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए गए हुए हैं अम्बेडकर नगर. सो वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट. तो एंटर करते हैं सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में. रेस्टिंग एरिया फॉर गार्जियंस. एंट्री करने के लिए है, सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं यहाँ पे, ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है. अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे कॉमन हॉल में. यहाँ पर हम लोग बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं. सैटरडे नाइट होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है. ये टीवी है हमारी. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीनियर गर्ल्स हॉस्टल के रूम्स की विजिटिंग. ये है रूम जहाँ पर दो बेड है, दो टेबल है, दो चेयर है और यहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी भी होती है. जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि कितना सुंदर व्यू है. ये है दो अलमीरा. ये टू सीटेड रूम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूलर है और दो बेड है, दो टेबल्स भी हैं. और जैसा कि आप सबको दिख ही रहा है कि क्या क्या है यहाँ पर, सब कुछ बहुत वेल डेवलप्ड है. अब हम एंटर करने जा रहे हैं मेस में, फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल मेस. ये देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये लोग अभी खाने का वेट कर रहे हैं. ये है वाटर कूलर, यहाँ से बच्चे सारे पानी भरते हैं. That's all for the junior girls hostel. Thank you. If you enjoy the video, then please like, share and subscribe.